तो फाइनली आ चुके हैं दिस दिवाली। अब तक की बात करें शायद बॉलीवुड का ये बड़ा क्लैश है गाइस वो होने जा रहा है, सिंघम 3 वर्सेस भूल भुलैया 3। क्या कुछ भाई नए अपडेट्स है वो निकल के सामने आ रहे हैं। एंड देखो इससे पहले एक 50-50 चांसेस था कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, सम भाई इसमें प्रीपोन भी हो सकती है, मतलब भूल भुलैया 3 ले लो आप या फिर भाई सिंघम 3 ले लो। बट आज की सिचुएशन देखोगे आप, अभी तक देखोगे तो भाई दोनों की बात करें अब तक तो भाई दोनों रेडी हैं क्लैश करने के लिए। दोनों का भाई बड़ा क्लैश है वो होने वाला है। क्या ये मतलब कि ईद वीकेंड है, क्रिसमस है, इंडिपेंडेंस है, रिपब्लिक है, कुछ भी नहीं है, दिवाली में क्लैश हो रहा है भाई, सोचने वाली बात तो है ही है। एंड ये कोई ऐसा कंटेंट नहीं है कि गदर 2 के सामने OMG 2 है, स्त्री 2 के सामने खेल खेल है एंड बेदा है, कोई और बड़ा आप क्लैश पकड़ सकते हो कि ये सब भाई क्लैश होने वाला है, या फिर सलार के सामने या फिर डंकी के सामने सलार है। भाई दोनों का यूनिवर्स अलग था, एक तो एक्शन दूसरी वो, एंड ऊपर से कोई सीक्वल नहीं था, कोई फ्रेंचाइजी प्रोजेक्ट नहीं थे। अभी आप देखोगे ऐसा सेम सिनेरियो कुछ भी नहीं होने वाला है। एंड ऐसा भी नहीं है कि गदर 2 वर्सेस OMG 2 का क्लैश है एंड गदर 2 को अच्छे रिव्यू नहीं मिले एंड वो पिट जाएगी, नहीं मेरे भाई वो एक सीक्वल था तब भी बिजनेस निकालेगी, मतलब कि वो एक इंडिकेटर है। यहाँ पे दोनों के बीच में किसी को भी अच्छे रिव्यूज चाहे अच्छे निकल के सामने आए या फिर नहीं आए तब भी बॉक्स ऑफिस फाड़ के रखेंगी, ये कोई नंबर्स इजिली नहीं गिरने वाला है। ठीक समझ में आ रहा है सभी को, सिंघम 3 कितना बड़ा ब्रांड है आप सभी को पता ही है एंड भूल भुलैया 3 कितना बड़ा ब्रांड है एंड कितनी बड़ी वो फ्रेंचाइजी है मुझे बताने की आप सभी को जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप सभी भाई अच्छे से जानते ही है क्लैश कहाँ हो रहा है, दिवाली में हो रहा है ये भी आप सभी को पता ही है। यहाँ पे कितने होलीडेज मिल रहे हैं ये भी भाई आप सभी को पता ही है। ठीक समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं भाई भूल भुलैया 3, सबसे पहले क्या कुछ नए अपडेट्स निकल के सामने आ रहे हैं। देखो भाई मेकर्स ने विद्या और कार्तिक नया भाई पोस्टर की शूट है वो की है, मतलब कि हमें जल्द ही एक पोस्टर है वो देखने को मिलेगा एज अ मेकर्स की तरफ से, जो कि ये कार्तिक आर्य ने बताया भी था अभी 2-4 दिन पहले कि हमें मतलब टीजर देखने को मिलेगा, पोस्टर्स हैं वो देखने को मिलेंगे जल्दी एंड मेकर्स भाई मैदान पर उतरने वाले। एंड मैंने ये यस्टरडे वाले एपिसोड में आप सभी को बताया भी था कि सितंबर के सेकेंड ऑफ वीक में भूल भुलैया 3 के मेकर्स गाइस वो प्रमोशन करने वाले हैं, मतलब वो शुरू हो जाएंगे मैदान पर वो जाएंगे एंड करना हो चाहिए भाई उनको प्रमोशन। ठीक समझ में आ रहा है एंड मतलब कि ये दिवाली में आना इनका कंफर्म ही है। एंड दूसरा अब देखिए यहां पे हम सिंघम की, तो भाई उनका भी पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा है, तरुण जी ने भाई कल ही कंफर्म किया था कि भाई ये भी दिवाली में आ रहे हैं। अब तक भाई दोनों का देखें दिवाली में आना कंफर्म ही है। क्या अब ये डिजर्व करती है दिवाली में आना, देखो इससे पहले 50-50 चांसेस था बट गाइस अब भी आप मुझे पूछोगे ना मैं काफी ज्यादा भाई एंग्री हूं दिस डिसीजन से। भाई क्या चल रहा है ये, थोड़ा भाई लॉजिक लगाओ भाई, ये वो क्लैश नहीं है जो मैंने आपसे को पीछे अभी नाम बताए, भाई दिवाली क्लैश है, दिवाली में क्या है। एंड ऊपर से हमें कल मेकर्स ने एज अ PVR INX मिराज ने एक ऑफिशियल हमें पोस्टर भी दिया कि भाई ये पिक्चर 1st of November को आई, चलो ये देखकर अच्छा लगा कि ऑलमोस्ट डेट कन्फर्म हो ही चुकी है। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई उन्होंने मेकर्स को पूछा नहीं कि 1st of November को आ रहे हैं, तभी भाई उन्होंने डेट मेंशन की है। हाँ पोस्टर ओल्ड है बट डेट तो भाई नया है ना, 1st of November, चलो हमें ये कंफर्म हो गया कि भूल भुलैया 3 है वो 1st of November को आने वाली है, मतलब कि उस दिन आ रहा है फ्राइडे, पूजा भी है, नाइट के शोज है वो अच्छे नहीं जाएंगे, चलो ये क्लैरिफाई हो गया। तो नेक्स्ट भाई फ्राइडे को ये पिक्चर आएगी, ठीक नाइट शोज अच्छे नहीं जाएंगे, नेक्स्ट सैटरडे गोवर्धन, नेक्स्ट भाई संडे भाई दूज आ रहा है, मतलब कोई भी यहाँ पे बेनिफिशियल मिलता हुआ मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है भाई। सैटरडे संडे होलीडेज फैक्टर नहीं भी होता ना तब भी पिक्चर फाड़ देती, यही भाई दूज ट्यूजडे के दिन मंडे के दिन होता तब भी भाई बॉक्स ऑफिस में थोड़ा बेनिफिशियल होता ना, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप क्लैश कर रहे हो। अब बात करें सिंघम की, सुनने में आ रहा है कि भाई वो फ्राइडे नहीं पकड़ रहे हैं, मतलब शायद वो फ्राइडे नहीं आएंगे, अभी एक स्पेकुलेशन है, मतलब कि शायद वो थर्सडे को आ सकते हैं, शायद वो सैटरडे को आ सकते हैं, मतलब सैटरडे को आते हैं तो फिर सैटरडे संडे बस हो गया काम। एंड आप टाइगर 3 का बिजनेस देख लो भाई, संडे को आई क्या हुआ, नाइट के शोज अच्छे नहीं गए, मंडे अच्छा गया, यहाँ पे भी ऐसा सीन सिनेरियो हो सकता है। देखो मुझे पूछोगे आप भाई ये दिवाली क्लैश दोनों पिक्चरें कैरी नहीं करती हैं, एवेंचुअली लास्ट यही होगा कि भाई बॉक्स ऑफिस अंडर परफॉर्मेंस करेंगी बोथ। आप बोलोगे यार ये कैसे हो सकता है, क्या बोल रहे हो आप यार, थोड़ा लॉजिक लगाओ एंड थोड़ा सोच समझ के बोलो भाई, हम सही बोल रहे हैं, आपके माइंड में है पोटेंशियल है कि ये पिक्चर 400 करोड़ कमाई कर सकती है, भाई वो 300 करोड़ के आसपास एक लाइफ टाइम पे फिनिश करेगी। ठीक ये कार्तिक आर्यन की शायद हाईएस्ट लाइफ टाइम की बात कर रहे हैं, उनके करियर की बात कर रहे हैं, जा सकती थी अब तक की बात करें,
जो कि शायद नहीं जा पाएगी। इवन सिंघम की बात करें 300 करोड़ से ज़्यादा नेट अजय शायद तब भी दे देंगे क्लैश के साथ भी, बट जो आपके माइंड में है कि यार ये शायद अजय 500 से यार भी नेट दे सकते हैं, और यही एक पिक्चर है उनकी, पोटेंशियल भी दिख रहा है हमें कि भाई कर सकती है, बट वो नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि क्लैश है। स्क्रीन्स भाई मलिक भाई 60-40 मिलेंगी और क्या है भाई, ऐसा थोड़ी काम चलेगा। चलो जो भी आप मेकर्स के हाथ में है सब कुछ, आप ये रिकॉर्ड्स उठा के देखो पीछे जो भी दिवाली में जिसने क्लैश किया तो ज़्यादा कुछ भाई बेनिफिशियल नहीं रहा है। आप ये देख लो शिवाय का 2016 की बात करें, एक्शन थ्रिलर मूवी थी, 2950 स्क्रीन्स मिली थी। सामने कौन था? ए दिल है, एक रोमांटिक ड्रामा पिक्चर थी, 2850 स्क्रीन्स मिली थी। क्या हुआ 50-50 ऑलमोस्ट। नेक्स्ट आप ये देख लो 2012 की बात करें, सन ऑफ सरदार 2, लगभग 2000 स्क्रीन्स, एंड जब तक की बात करें लगभग 2450। यहाँ पे क्या हुआ, कोई ज़्यादा बेनिफिशियल हुआ नहीं भाई। आप यहाँ पे 22 का ही देख लो, राम सेतु 3150 सेकेंड्स, थैंक गॉड लगभग 2550 सेकेंड्स, एंड दोनों के दोनों भाई फ्लॉप डिसास्टर। क्या हुआ, कुछ बेनिफिशियल हुआ? नहीं हुआ भाई। दिवाली एक बड़ा हॉलीडेज फैक्टर नहीं है, ईद जैसा वीकेंड नहीं है, रिपब्लिक हो गया या फिर इंडिपेंडेंस हो गया, ये क्रिसमस हो गया, कुछ भी नहीं है भाई ऐसा। यहाँ पे टाइगर 3 देख लो सोलो आई, क्या हुआ, चलो जो भी है बट अंडर परफॉर्मेंस वो भी रही। तो दिवाली में मेरे ख्याल में दोनों पिक्चर भाई कह रही है वो नहीं करती है, ऊपर से ये फ्रेंचाइजी है, थर्ड पार्ट आ रहा है, रिव्यूज़ अच्छे निकल के नहीं भी आए सामने तब भी ये बॉक्स ऑफिस फाड़ के रख देंगी। ये कोई स्त्री 2 जैसा क्लैश नहीं है, ये गदर 2 जैसा कोई क्लैश नहीं है, ये अब तक की बात करें एज अ बॉलीवुड की एक बड़ा क्लैश है गाइस वो होने जा रहा है। आई थिंक सो ये डिजर्व नहीं करती हैं दोनों, एंड ये सब भाई ईगो को मारो गोली भाई। आपको क्या चाहिए बॉलीवुड का, देखोगे आप 22-23 थोड़ा अच्छा गया है, 22 अच्छा नहीं गया, 3 भाई आप अपनी क्लैश कर रहे हो। मुझे अभी भी याद है जब पठान अच्छा क्लैश निकाल रही थी तो कार्तिक आर्यन ने अपनी पिक्चर किया था, मेरे ख्याल में शहजादा थी, आगे पुश कर दिया भाई उन्होंने। क्यों? क्योंकि पठान अच्छा बिजनेस कर रही थी। तो यहाँ पे क्या चल रहा है भाई, आपकी करियर की बेस्ट है, अजय की करियर की बेस्ट है, वट नहीं भाई आपको क्लैश करना है। आप अक्टूबर आओगे थोड़ा पीछे, 2 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक ऑलमोस्ट बीच में 10-12 डेज हॉलीडेज है इंक्लूडिंग सैटरडे, मतलब ये सब एम्प्टी जा रहे हैं, खाली जा रहा है भाई सब कुछ, मतलब कोई पिक्चर ही नहीं है रिलीज करने को। भाई मैं तो बोलता हूँ ना इन दोनों में से एक भी विदाउट कोई होल्डेज फैक्टर देखे, नॉर्मल फ्राइडे को भी आ जाए ना तब भी बॉक्स ऑफिस फाड़ के रख देगी। कोई आपको पीछे होल्डेज के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, इन दोनों में से एक की बात कर रहे हैं, कोई भी आगे पीछे आए, बट नहीं भाई दोनों को क्लैश करना है भाई। 15 नवंबर को जाओ यार, एक कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर दिवाली में आने की, बट नहीं भाई दोनों को क्लैश करना है, करो भाई, देखते हैं, वेट करते हैं बॉक्स ऑफिस क्या भाई दोनों की परफॉर्मेंस रहती है। बट मैं इतना क्लैरिफाई कर दूं जो मैंने आपको पहले बताया कि भाई दिवाली में ये दोनों पिक्चरें कैरी नहीं करती हैं, ठीक भाई दोनों को थोड़ा आगे पीछे हैं वो आना होगा, ये दोनों के लिए अच्छा होगा, एज अ बॉलीवुड के लिए भी अच्छा होगा, एज अ दोनों मेकर्स के लिए भाई ये अच्छा रहने वाला है। देखते हैं भाई मेकर्स क्या करते हैं। बाकी भाई कलो चैनल को सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए।